बहुत धन्यवाद हो कि आज हमको एक बढ़िया सुसमाचार दिया है और हमें कोशिश करें उसको समझने के लिए। और सुसमाचार का सामग्री यह है कि यीशु ने बोला मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। और जीवन का रोटी अगर है तो ये कहाँ मिलता है यार, कैसे मिलेगा? उससे पहले यीशु ने ये भी कहा लोगों का यीशु के भीड़ में आते थे और यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते थे और ये प्रचार का दौरान उन्होंने बोलते थे कि मैं जीवन का ज्योति हूँ, मैं संसार का नमक हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जल हूँ, जिसको प्यास लगता है मेरे से पिए। तमाम चीज यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करते थे तो बोलते थे, लेकिन जितना भी सुसमाचार सुनने के लिए लोग आते थे उसमें तरह तरह का लोग थे, उसमें फारूसी सदूकीस भी थे, यहूदी भी लोग थे, उसमें बहुत सारे मछुआरा थे, बहुत सारे मजदूरी का लोग थे और बहुत सारे बीमार का लोग भी हुआ करते थे। अरे बहुत सारे लोग जानते थे कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं, मुर्दा को उठाते हैं, जिसको आँख नहीं उसको आँख रोशनी देते हैं देखने के लिए, जो लंगड़ा है उसको चलने के लिए बल देते हैं, और जो जिसको भूत प्रेत लगा हुआ है उनको भी भूत प्रेत उड़ाते हैं। तमाम चीज उस समय हुआ करता था और प्रभु यीशु मसीह चीज कर आते थे और बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद था कि प्रभु यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगा तो मेरा जो समस्या है वो हल हो जाएगा, किसी हालात में भी हो जाएगा। प्रभु का वचन सुनकर भी कुछ कुछ लोग उनका हल हो जाता था, कुछ कुछ लोग प्रभु को देखकर भी उनका हल हो जाता था, कुछ कुछ लोग प्रभु का कपड़ा को छूकर उनको शक्ति मिलता था, ऐसे भी ठीक हो जाते थे। और कुछ कुछ लोग प्रभु का पास जाते थे और नतमस्तक होकर उनको दुआ करते थे, प्रभु उनका ऊपर हाथ रखते थे और वो ठीक हो जाते थे। तो तमाम तरीका है कि किस तरीके से हमारा समस्या को हम हल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा समस्या को हम हल कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है। तो हमें अभी विश्वास करना है, अगर मेरा समस्या कुछ है, मेरा परेशानी कुछ है, तो मेरा तरीका क्या होना चाहिए ताकि मैं प्रभु का ताकत पाकर मेरा हाल ठीक हो जाए। अभी तो प्रभु है नहीं, अरे प्रभु का आत्मा हमारे पास मौजूद है हमेशा। उस समय लोग प्रभु को देखते थे, जहाँ शोभा होता था वहाँ पर जाते थे, ऐसे भी लोगों को दूर दूर जगह से गाँव से लोगों को मरीज को खटिया में लेकर आते थे और प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते थे, तमाम चीज था। तो आज वो सारे समस्या दूर हो गया, आप अभी कोई समस्या नहीं है, कोई खटिया में लेकर आने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ एंड सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास अगर हमारे पास है हमें सभी कुछ हो सकता है। तो विश्वास सबसे जड़ है हमारी समस्या को समाधान करने का। और ये बाइबल बताता है अगर हम विश्वास करते हैं किसी चीज को, दिल से दिमाग से विश्वास करते संपूर्ण रूप से अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास का जो प्रिंसिपल है, विश्वास का जो सिद्धांत है, विश्वास का सिद्धांत भी हमें पालन करने की जरूरत है। विश्वास का सिद्धांत क्या है, विश्वास का प्रिंसिपल क्या है? विश्वास का प्रिंसिपल बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है कि हमें कर्म बिना विश्वास मृत्यु है, कर्म बिना विश्वास मृत्यु है।
तो अगर विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी हमको करना है। कर्म प्रभु बहुत सारे काम हमको दे रखता है, क्रम हमारा ड्यूटी हमें जरूर करना है। और ड्यूटी जब हम करते रहेंगे और प्रभु का ऊपर विश्वास करते रहेंगे तो हमें जरूर हमको हमारा समस्या हल होगा और हमको जरूर फल मिलेगा। साधारण तरीका से अगर हम देखें कि अगर हमारा ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, हमारा संविधान हर देश का संविधान हमको अधिकार देता है और उस अधिकार को राइट्स को उस अधिकार को अगर हमें पाना है तो हमें कुछ जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। बिना जिम्मेदारी में बिना ड्यूटी में हमें हमारा राइट्स मिल जाए तो वो गलत है। इसीलिए राइट पाने के लिए हमें कुछ कुछ सरकार हमें कुछ रूल दे रखा है, कुछ जिम्मेदारी दे रखा है, कुछ कानून दे रखा है, उसको हमें मानने की जरूरत है। वो भी इस तरीके से एक ड्यूटी है, एक काम है। तो बाइबल भी ये बताता है अगर कुछ चीज आप विश्वास करते हो गॉड से, ईश्वर से, तो वो ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे चमत्कार नहीं होगा, उसको उसके लिए आप दिया हुआ चीज को करना पड़ेगा। और जो चीज हमको दिया हुआ है करने के लिए वो बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, जरूर उस चीज को हम कर पाएंगे। अगर हम करेंगे तो हमें जरूर उस चीज को मिलेगा। तो कर्म बिना विश्वास मृत्यु है, अगर हम कर्म करेंगे तो हमको फल जरूर मिलेगा। और इसीलिए बोला गया है बहुत सारे शास्त्र में, मेहनत करो और मेहनत का फल आपको मिलेगा। आदम को जब बनाया और बोला तू मेहनत करके तेरा पेट भरेगा, बिना मेहनत में अगर पेट भरेगा वो हराम है, वो क्या है, हराम है, वो कहीं ना कहीं हमारा नहीं है, दूसरा हमें कुछ खा रहे हैं। इसीलिए बाइबल बताता है मेहनत हमें करना है। अगर प्रभु बोल दिया मैं जीवन का रोटी हूं, और रोटी पाने के लिए ऐसे मिलेगा नहीं रोटी, हमें कुछ कर्म करने की जरूरत है। जैसे हमारा शरीर के लिए रोटी है, हमें काम करते हैं तो रोटी मिलता है, हम मेहनत करते हैं तो रोटी मिलता है। हमें कहीं पर अगर कोई भिखारी भी है, अगर रोड पे जाकर उनको मेहनत करना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है, अरे रोड में भीख मांगना पड़ता है धूप में पानी में, तब कुछ लोग भीख देते हैं। तो हर चीज का मेहनत है, बिना मेहनत पे कुछ नहीं होता है। कुछ मेहनत नियत का साथ होता है, कुछ मेहनत ईमानदारी सच्चाई से होता है, कुछ मेहनत शारीरिक रूप से होता है, कुछ मेहनत मेंटल रूप के होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होता है। इसीलिए हमें मेहनत जरूर करना है और नियत का साथ विद रूल एंड रेगुलेशन का साथ। गलत मेहनत करके गलत तरीका से चीज कमा करके हमारा पेट भर सकते हैं, लेकिन वो खुदा की दृष्टिकोण में वो सही नहीं है। इसीलिए हमें अपना मेहनत जरूर करना है। और बहुत सारे देश में बिना मेहनत में भी लोग को अन्नदान मिलता है, वो कितना उचित है वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ वेलफेयर स्कीम है जो मजबूरी में सरकार देता है, चैरिटी में देता है उसको। तो चैरिटी जो देता है सरकार कि भी कोई भी देता है, कोई संस्था भी देता है, कोई व्यक्ति भी देता है, चैरिटी को देता है वो क्योंकि वो चैरिटी से लेकर कामयाब बने, क्या बने, कामयाब बने, काबिल बने, तो आने वाले समय में और चैरिटी वो दूसरा को दे सके, वो चैरिटी ना बने। तो इसीलिए हमें कोई बंदा कुछ देता है हमको तो हमें जिंदगी भर उससे उम्मीद नहीं करना है, उससे जो मिल रहा है मदद मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट को पाकर हमें अपना पैरों पे खड़ा होना है, सस्टेन होना है, आत्मनिर्भर बनना है।
तब बाइबल हमेशा बताता है कि एक चीज, एक अंधा आया प्रभु यीशु के पास और रोड पे चिल्लाते रहा, और ये दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह में अंधा हूं, मैं क्या करूं, मेरे को मदद कर। तो लोग बहुत उनको मना कर देते, चिल्लाना नहीं। तो लेकिन वो चिल्लाते रहा, जहां प्रभु जा रहे वहीं पर जाकर बोलते रहा, रोड में खड़ा होकर बोलते रहा। तो प्रभु उसको देखा और उसको बोला, प्रभु उसको बुलाया। वो लड़का को, 9 साल का लड़का वो बुला करके बोला, क्या चाहिए? उन्होंने बोला, मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने बोला, आप देखना चाहते हो तो मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। करेगा तभी आप होगा। वो तैयार हो गया क्योंकि उसको देखना था। और यीशु मसीह क्या बोला, यीशु मसीह धूल था जमीन में, उसका थूका जमीन को गीला किया, जमीन का मिट्टी को क्या क्या गीला किया, यीशु मसीह का थूक में उसको जमीन का मिट्टी को गीला किया, गीला करके क्या किया, उसको आंख में लगा दिया। क्या कहा उसको, आंख में लगा करके क्या बोला उसको, 9 साल को लड़का को, और उदास पानी है जाकर पानी में धो ले। अगर वो बोलता मैं पानी में नहीं जाऊंगा, नहीं धोऊंगा, अगर वो नहीं जाता और मिट्टी लगाने के लिए मना कर देता, उसका जरूरत थी। अरे प्रभु यीशु मसीह बोला उसको, मैं जो बोलूंगा वही आपको करना पड़ेगा। फिर वो जाकर धोया, अंधा व्यक्ति फिर भी जाकर, वो पानी था पानी में जाकर धोया। धोते ही क्या हो गया, आग धोते ही आग खुल गया। अगर वो जाकर नहीं धोता तो होता क्या? इसीलिए हमें कर्म करने की जरूरत है, तब हमको फल मिलेगा। बाइबल पूरा बाइबल बताए, कर्म, विश्वास कर। कर्म बिना विश्वास मृत्यु है, अरे विश्वास बिना फल आपको नहीं मिलेगा, विश्वास करना। कोई बोला, अगर छोटा भी विश्वास है आपका ऊपर, छोटा भी थोड़ा सा विश्वास भी, ये इतना बड़ा पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ उठकर जाकर गिर, समुद्र में गिर गिरेगा। इसीलिए हमें कर्म करना है और रोटी पाना है। यहाँ आज बोला यीशु मसीह में जीवन का रोटी हूँ, कौन सा रोटी है? और लोग बोलते थे मूसा तो ऊपर से क्या गिराता था, मन्ना गिरता था, और हम जितना भी मन्ना ले जाते थे खाते थे। ऐसे कुछ करो हमारे लिए मूसा तो किया है। लोग चाहते हैं कि इजीली उनको रोटी मिल जाए रोज, इजीली रोटी। और जो मन्ना गिरता था मूसा का समय, वहां पर भी लालच था लोगों को, मन्ना उठा करके, कुछ गरीब लोग तो उठा नहीं पाते थे, लेकिन जिसका ताकत बांध लोग है टोकरी पहले से उठाते थे, उठा करके ले जाते थे। लेकिन मन्ना का कुछ समय था, उसको ज्यादा समय रख नहीं सकते थे, ये लोग लालच में ले जाते थे, लालच में ले जाते थे ताकतवान लोग, और गरीब लोग को नहीं मिलता था, समय पर मन्ना गिरता था, तो लालच लोग ले जाते थे, और जितना तो खाना तो खा सकते थे, तो बोलते थे हम रख रख कर खाएंगे, काल मन्ना गिरेगा ना गिरेगा क्या पता, हम रख रख कर खाएंगे। लेकिन मन्ना क्या होता था, कुछ दिन रखने के बाद कुछ समय तक ही ठीक रहता था, समय बीत जाता तो क्या होता था, बद्दू आता था, खा नहीं पाता। तो वो प्रभु वैसे कर दिया, उसका बाद ये लोग जितना चाहिए उतना ही लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रख कर हम खा नहीं सकते। लेकिन अभी भी लोग लालच है दुनिया में, क्या है, लालच है, संपत्ति का लालच है। मेरा पास सब संपत्ति होना चाहिए, गरीब कैसे भी हो, तो दुनिया में अगर गरीबी है तो गरीबी का सारे संपत्ति किसका पास है, कोई अमीर का पास है। वो अमीर एंजॉय कर रहा है, किसी का पास 400 एकड़ जमीन है, किसका पास 500 एकड़ जमीन है, किसका पास घर भी नहीं है। सरकार का नीति ठीक नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सभी को रोटी कपड़ा और मकान
मिल सकता है, बराबर आराम से मिलेगा इतना बड़ा दुनिया में। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना, जिसका लाठी उसका भैंस, इस तरीके का नीति चल रहा है। जो ताकतवान है, जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा, लोग बोलते हैं पैसा ही पैसा से कमाते हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी गरीब के लिए काम करना जा रहे हैं। गरीब कौन कौन सा, गरीब भी अलग अलग है, गरीब भी अलग है। इंडिया में कुछ जात है, सदियों से जात गरीब है, वो अभी तक उठा नहीं, बिकॉज अब उसका जात है, उसका कास्ट की वजह से वो गरीबी होते रहा है सदियों से, वो एक लेगेसी हो गया है। अरे पियोन का बेटा क्या बनेगा, पियोन बनेगा, ऐसे लेगेसी हो गया है। चौकीदार का बेटा क्या बनेगा, चौकीदार बनेगा। सफाई कर्मचारी का बेटा बेटी क्या बनेगा, सफाई कर्मचारी बनेंगे, ये लेगेसी हो गया है। तो उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसको तोड़ना चाहते हैं। नहीं, चौकीदार का बेटा भी क्या बन सकता है, पुलिस ऑफिसर बन सकता है, टीचर बन सकता है, IAS OAS बन सकता है। ये सारे चीज उन्होंने अभी उठाया है, अभी उठता है। तो इसीलिए हमें सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिलना है तो सभी लोग सोचना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। अरे लालच सदियों से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन गुण है। इसीलिए अगर लालच पोसेशन वो खत्म हो जाएगा तो सभी लोग के पास क्या होगा, जमीन होगा, सभी लोग के पास घर होगा, सभी लोग के पास मकान होगा, सभी लोग के पास खेती होगा। अरे सभी लोग अपना अपना खेती उगाएंगे, अरे अच्छा से परिवार को पालेंगे, और सभी का बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, अरे दुनिया एक बेहतर दुनिया बनेगा। लेकिन नीति को हमें बहुत लागू करना है। बाइबल में बहुत सारे नीति है, हर 7 साल का क्या होता था उस समय, हर 7 साल में एक हर 7 साल में बाइबल में डिटरनॉमी में है, हर हर साल में सर्वे होता था। तो इधर भी इंडिया में बहुत साल पहले हुआ था, अभी हुआ नहीं। तो सर्वे होता है, सर्वे होकर किसी का पास कितना संपत्ति है, अगर ज्यादा संपत्ति है, जरूरत से ज्यादा संपत्ति है सरकार ले जाएगा, जरूरत से ज्यादा जमीन है सरकार ले जाएगा। हमको याद है हम छोटे छोटे समय में, तो हमारा गांव में आए आ रहे जितना जमीन जिसको जरूरत है इतना ही है, बाकी जमीन सभी ले गया, लेकर जो गरीब लोग है उनको दे दिया। मायावती का गवर्नमेंट का समय में मायावती भी चाहे थी कि सभी को क्या मिले, जमीन मिले, बहुत सारे गरीब लोगों को पट्टा दे दिया, जमीन पट्टा मायावती, लेकिन ये लोग कमा नहीं पाए और पट्टा जमीन को भी बेच कर खा गए। तो ये बाइबल में सब कुछ है यहाँ पर। तो हर कुछ निर्धारित समय में चेक एंड बैलेंस सरकार कर सकती है, हर 10 साल में सरकार सर्वे कर सकती है, जनगणना कर सकती है, किसी का पास कितना जमीन है, किसी का पास कितना लोक है, इतना ही उनको जितना जरूरत है उनका ही दिया जाए, बाकी चीज ले जाए, और सरकार जिसको नहीं है उसको दे सकता है, इस तरीके का कर सकता है। तब परमेश्वर का राज्य इसी संसार में स्थापित होगा, जिसका पास सभी मौजूद होगा, संसाधन मौजूद होगा, सभी इक्वल होंगे, सभी इक्वल होंगे, कोई ना जाति भेदभाव होगा, ना रिच एंड पुअर होगा, सभी बराबर होंगे, अरे एक गॉड होगा, अरे एक ही दुनिया होगा, अरे एक परमेश्वर होगा, अरे हो सके कि 1 पॉइंट होगा, और उसमें सभी लोग, सभी दुनियावासी एक परमेश्वर, एक परमेश्वर को मानेंगे, एक खुदा को मानेंगे, अरे उसमें कोई बिना भेदभाव में दुनिया चलेगा। यही हमारा सपना है, दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड वी आर एक्सपेक्टिंग, और हम लोग उसी दिशा पे
काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में दुनिया में ऐसे एक दुनिया बसे जहाँ पर सभी लोग शांति आनंद प्यार भगवत से बिना जाति क्षेत्र आर्य धन दौलत को उपकर इंसानियत होकर अभी हम जी सकते हैं। प्रभु सभी को आशीषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।